अपने हक के लिए उठेंगे, अपने लिए आवाज उठेंगे। अगर चुंगी के लोग अपने लिए उठे तो किसी अमर जान की जरूरत ही नहीं थी चुंगी में आने की। चंद्रा रोड पे बड़ा नाला खुला हुआ है जिसपे कभी रिक्शा उलट जाता है। इधर प्रेस ग्राउंड में इन्होंने कचरे का नाला बनाया हुआ है। हमारे नौजवान बीमारी से मर रहे हैं। तालीम का कोई वो जवाब नहीं है इलाके में। और मैं जनरल अस्पताल में काम करती हूँ, वहाँ पर डॉक्टर हूँ, और उसका तो हाल आप पूछे ही नहीं। जब भी हमारी कोई माए बहने वहाँ पे आती है इलाज के लिए, सिक्योरिटी गार्ड से लेके पर्ची बनाने से लेके डॉक्टर नर्स सारे बदसलूकी करते हैं। ग्राउंड है जिसमें चुंगी के नौजवानों का हक है, उस हक पे इन्होंने कचरा डाल दिया है, उस हक पे इन्होंने बीमारी डाल दिया है, उस हक पे इन्होंने हमारे लिए नशा डाल दिया है। अगर ये ग्राउंड खुला होता तो हमारे नौजवान आज नशे में डूबे नहीं होते। अगर ये ग्राउंड खुला होता हमारे नौजवान आज जुए नहीं खेल रहे होते। तो ये जो ग्राउंड होता है, जो खेल होता है, ये नौजवानों की जिंदगी का बहुत अहम टाइम होता है, जब उनको अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ तल्ख चीजों से वो जब टाइम लेते हैं और उस ग्राउंड में जाते हैं, खेलते हैं, तो ये बहुत अहम चीज है। आप ये ना समझे कि इन्होंने इस ग्राउंड पे कचरा डाला है तो इन्होंने सिर्फ ग्राउंड पे डाला है, इन्होंने आपकी फिटनेस पे कचरा डाला है, इन्होंने आपकी सेहत पे कचरा डाला है, जो सबसे अहम बात है। क्योंकि हकूक खल्क पार्टी एक नई पार्टी है, पहली बार अवान चौक में इसका इकट्ठ हुआ है और इतने सारे लोग आए हैं, तो उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि हकूक खल्क पार्टी है क्या। हकूक खल्क पार्टी तलबा की पार्टी है, हकूक खल्क पार्टी औरतों की पार्टी है, हकूक खल्क पार्टी नौजवानों की पार्टी है, और सबसे बढ़कर ये मजदूरों की पार्टी है, ये नौजवानों की पार्टी है। हमारा एक ही नारा है, तब्दीली के चार निशान, औरत, तलबा, मजदूर, किसान। जब तक ये चार निशान इकट्ठे नहीं होते, जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे, इनको इनकी सारे हक नहीं दिए जाएंगे, तब तक ना पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, ना लाहौर में तब्दीली आएगी, ना चुंगी में आएगी। जो हमारे बहुत बड़े बड़े सियासी पार्टी इस टाइम पे बैठे हुए हैं, आप उनकी बेगैरती का, बेशर्मी का अंदाजा इस चीज से लगाए कि फलस्तीन में पिछले 20 दिनों से हजारों से ज्यादा जाने गई है, मगर मजाल है कि इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट भी गया हो फलस्तीन के हक में। इनके दोगलेपन की आप और क्या मिसाल लेंगे कि अगर ये अपने वहाँ पे बैठे मुसलमान भाई बहन के लिए कड़े नहीं हो सकते, ये उनके लिए आवाज नहीं उठा सकते, किस चीज का डर है इनको? जैसे खालिद अंकल अभी कह रहे थे कि इनको डर उस चीज का है कि जब आप किसी से कोई चीज लेते हो फिर आप उनसे जवाब दे नहीं होते, आप उनके बूट पॉलिशिया होते हैं। तो हमारे सियासतदान इस वक्त अमेरिका के बूट पॉलिशिया है, इस वक्त वो जो है इसराइल के बूट पॉलिशिया है। सभी ना हक के लिए आवाज उठाते हैं, ना अपने लिए कभी बोला है, ना कभी फलस्तीन के लिए बोलेंगे। मगर हकूक खल्क पार्टी ने मुसलसल बारहा और इस महीने में सिर्फ तीन एहतजाज, तीन और बहुत बड़े बड़े एहतजाज फलस्तीन हक में किए हैं। एक एहतजाज लिबर्टी चौक में किया, एक एहतजाज हमने अमेरिका काउंसिलेट के बाहर किया, और अमेरिका के मुंह में ये कहा है कि आप जो जुल्म हमारे भाई बहनों पे कर रहे हो फलस्तीन में, ये इंसानी हकूक के भी खिलाफ है, ये हमारे मजहब के भी खिलाफ है, और हम बेशक हमारे सियासतदान कुछ भी कहे मगर पाकिस्तान की आवाम जो है आपके साथ नहीं है। और जो तीसरा और सबसे बड़ा हुआ है वो कल हुआ है चेरिंग क्रॉस पे। तो एक सियासी पार्टी जो फलस्तीन में दूर बैठे भाई बहनों के लिए आवाज उठा सकती है, तो चुंगी में बहने हमारे बहन भाइयों के लिए क्यों नहीं आवाज उठाएंगी? चार साल से चुंगी अमर सिद्धू में मैं आ रही हूँ। जैसे हमारे भाई मुजम्मिल काकड़ आए, उन्होंने कहा कि उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और उनको कोई फायदा नहीं है चुंगी अमर सिद्धू में आके काम करने का। मेरा ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। आप देख सकते हो कि मेरा रंग, नस्ल, शक्ल आप में से मुख्तलिफ है, और बहुत सारे कभी मुझे चीनी कहते हैं, कभी जापानी कहते हैं, पर मैं भी आपकी तरह ही पाकिस्तानी हूँ। तभी जब भी मैं इधर आती हूँ मेरा दिल खराब होता है कि हमारे बहन भाई किन हालात में रहते हैं। क्या आपको ये पसंद है कि
की जो है मुर्दा लाशें जो है ऐसी बिखरी हुई होती है कि जैसे वो इंसान ही नहीं है। अमार जान आया ही इसीलिए क्योंकि जब वो तालीम सुधारने आया तो पता चला गली नहीं सही है, जब गली सुधारने आया तो पता चला सेहत नहीं सही है, जब सेहत के लिए आया तो पता चला ग्राउंड ही नहीं है, ग्राउंड के लिए आ रहा है तो देख रहे हैं कि नौजवान क्या उनमें ये जज्बा है कि वो इस ग्राउंड को ठीक करे। अगर मैं आज ये कहूँ कि कल मैं आऊंगी ये ग्राउंड साफ करने, अपने साथ हम LWMC के वर्कर्स भी लेकर आएंगे, तो क्या आप सारे जो आज इधर बैठे हैं क्या आप भी आएंगे इस ग्राउंड को साफ करने के लिए? हाथ खड़ा करके बताएं, आप आएंगे इसको साफ करने? क्या आप अपनी बीमारी से छुटकारा पाने आएंगे? इंशाल्लाह हम LWMC के साथ आएंगे, मैं भी आऊंगी, अमार भी आएगा, हम सब आएंगे और इस ग्राउंड की सफाई हम खुद भी करेंगे, LWMC के साथ भी करेंगे। चूंकि अमर सिद्धू के नौजवानों में गुस्सा बहुत है, पिछले 4 साल से ये मैंने बड़ा देखा है कि नौजवान छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं, कभी किसी ने किसी को चाकू मार लिया, कभी किसी ने किसी को मार लिया। मैं आज आपसे ये कहूंगी कि मेरे भाइयों, अपना ये जो गुस्सा है आप इस सिस्टम पे निकालें, अपना जो ये गुस्सा है इसको सही लाइन पे लेकर आए, एक दूसरे पे ना निकाले। ये सिर्फ अंदर का आपका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है कि जिस गली से आप जाते हैं उसमें खड्डे होते हैं, तो जो ये आपके फ्रस्ट्रेशन है इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, अपना गुस्सा इस ग्राउंड पे निकाले, उन लोगों पे निकाले जिन्होंने आज आपकी ये हालत की हुई है। वो चाहते ही नहीं आप तालीम हासिल करें, तभी 40 साल से कोई स्कूल नहीं बनाए, क्योंकि उनको पता है जिस दिन चुंगी के लोग बाशऊर होंगे, तालीम हासिल करेंगे, वो सवाल करेंगे। और हमेशा याद रखना, हुक्मरानों को किससे डर लगता है? सवाल से डर लगता है, और वो भी सवाल किसके सवाल से? गरीब के उठे हुए सवाल से, क्योंकि वो गरीब को कभी अपने जैसा समझते ही नहीं है, और उनको ये उनकी बेइज्जती लगती है जब कोई गरीब सवाल करता है। तो इसलिए तालीम हासिल करो, हम आपके साथ हैं, इस जद्दोजहद में हम आपके साथ हैं। हमने 2 खल्क क्लिनिक बनाई है, गली नंबर 1 गोंदल चौक में खल्क क्लिनिक है, आप आए वहाँ पे आपका इज्जत से इलाज होगा, हमारे डॉक्टर हमारे नर्स सारे आपको इज्जत से पूछेंगे, तभी से आपका इलाज होगा, क्योंकि हम समझते हैं कि सेहत एक बुनियादी इंसानी हक है जो हर किसी को मिलना चाहिए।